हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इससे दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल ग्रेन्स अगेंस्ट शेयर डिफॉर्मेशन। जब भी हम लोग शेयर फोर्स लगाएंगे तो जो सॉइल के ग्रेन्स हैं वो शेयर फोर्स का मतलब रजिस्ट करेंगे, शेयर डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेंगे। ओके, सॉइल में ड्राइव इट्स शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है वो इन तीन पैरामीटर्स के कारण आती है। पहला है फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ड्यू टू स्लाइडिंग। जब सॉइल की एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड होगी तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फ्रिक्शन होगा। ये देखिए, ये एक लेयर हो गई है सॉइल की, ग्रेन्स की ये एक लेयर हो गई है, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस साइड जाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो इसके जो ये कॉन्टैक्ट एरिया है, इस कॉन्टैक्ट एरिया पे फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू सिग्मा एन बार। जो सिग्मा एन बार ये वर्टिकल स्ट्रेस हो गई है और ये म्यू हो गया है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो सिग्मा एन बार इंटू टेन फाई, म्यू बराबर हो जाता है टेन फाई। ओके, दूसरा है इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। ये इंटरलॉकिंग हो गई है, ये तब फोर्स लगाया तो ये वाला पार्टिकल है वो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आ गया। ठीक है, और ये आगे वाला पार्टिकल इन दोनों के बीच आ गया तो ये इंटरलॉकिंग हो गई। अब ये पार्टिकल इन दोनों पार्टिकल के ये बीच में फंस गया है। अब ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो इन दो जगह से लगेगा। ओके, तो ये इंटरलॉकिंग हो गई है। तीसरा पॉइंट है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ड्यू टू कोहिजन और एडिशन। सॉइल के जो सेम पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए क्ले और क्ले के बीच लगेगा फोर्स, वो कोहिजन हो जाएगा, और क्ले और सैंड के बीच या क्ले या सिल्ट के बीच लगेगा वो एडिशन हो जाएगा। डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स एडिशन और सेम पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स कोहिजन। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर्स हो गए हैं फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्लाइडिंग ऑफ लैंड मास, फेलियर ऑफ सॉइल बिलो द बिल्डिंग फाउंडेशन, जनरल फेलियर, शेयर फेलियर एंड लोकल फेलियर। ठीक है, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे। सैलो फाउंडेशन में तीन फेलियर हैं, किस टाइप के होते हैं डिटेल्स में वहीं पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।